संस्कृत को सुनने के लिए किस तरह के सजा का प्रावधान, तो
करना या किसी एक ही कार्य के लिए किसी एक अपराध के लिए जातिगत आधार पर सजाएं तय कर फिर उन्हें मान ले और क्या करना है किसी मधुस्मृति कार्य को पूरा पूरा पालन हमारे सत्ता करते ही है भाई समय के साथ पूंजीवाद की सत्ता के साथ और चीजें बदल गई ब्राह्मण की भी स्थितियां थोड़ी थोड़ी सी बदल गई हैं यदि ब्राह्मण चोरी करता है तो उसे नए परिवार के समूची संपत्ति के राजपूत द्वारा दे दिया जाएगा अब विजय मान लिया जी चाहे जितने पैसे दे और उसके बाद विदेश चले जाए कौन सी दिक्कत तो उस आदमी को है जो यहाँ का बहुत आम और उसने अपने अधिकारों की संरक्षा करने के लिए जिस जो हमारा सीधा विचार को दिखाने वाला जरिया है वो लेखक अब इस लेखक से ये उम्मीद की जाए कि वो राजसत्ता जो चाहती है उसके हिसाब से ही अपना लेखन कार्य करे उसको सपोर्ट करते हुए अपना लेखन कार्य करे तो क्या ये विकास संभव है कभी तो कुछ कहते हैं जो घर जा रहे हैं अपना चले हमारे साथ सबसे पहले उस कंफर्ट जोन को समाप्त करने की बात होती है यदि आप मनुष्यता के हित में बात करते हैं मुझे इस बात को भी कहने में कोई प्रसन्न नहीं है बार बार मैं ये कहती चली आई हूँ कि जिस समय नवजागरण का दौर चल रहा था उसकी एनालिसिस करते हुए हमारे प्रखर प्रोधा विद्वान अगर राम विलास शर्मा जी ने भी एक समाज को छोड़ दिया उचित प्रथाना से और वो था सत्य शुद्ध समाज ब्रह्म समाज जरूर है आर्य समाज जरूर है प्रार्थना समाज जरूर है पर सत्य शोध समाज की कभी कोई चर्चा नहीं और सत्य शोध समाज आप लोग जानते हैं कि खुले का और बुद्धि वह खुले और सावित्रीबाई खुले ने जिस तरह के कार्य किए पर जब वो सावित्रीबाई खुले लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है तो उनकी पहली पांच लड़की मतलब छात्राओं में चार ब्राह्मण अब यहाँ कोई जिस संविधान ने हमें अधिकार दिए उस संविधान ने जातिगत अधिकार नहीं दिए जातिगत कर्तव्य नहीं दिए धर्मगत अधिकार नहीं दिए धर्मगत कर्तव्य नहीं दिए उसमें भारतीय होने का और उस भारतीय होने के भारत के संविधान का पालन जरूरी है आपकी भावनाओं के आहत होने नहीं होने से मुझे कोई प्राप्त आपकी भावनाएं देश का विकास नहीं कर सकती देश का विनाश नहीं कर सकती और इसलिए एक बहुत जब गीता माँ स्पीच की बात करते हैं तो उसमें वो साफ कहता है मैं तो सुना दूँ People can gain an understanding of their surroundings and a wider world by extending ideas and information freely with others. This makes them more able to plan their life and work. जब आपके लाइफ की बात है, जब आपके जीवन और कार्य की बात है, तब आपको उस जीवन को संचालित करने के लिए सम्मान की आवश्यकता होती है। और ये सम्मान ही हमको निरंतर विकास की तरफ लेकर जाता है दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें ये कहता है पीपल फील मोर सिक्योर और ध्यान दीजिए पीपल फील मोर सिक्योर एंड रिस्पेक्टेड बाय द स्टेट इफ दे आर एबल टू स्पीक देयर माइंड्स पर हमारे यहाँ अपने माइंड से बात करनी हो अपने विचारों को व्यक्त करना हो तो हम सारे के सारे सीधे के सीधे देश द्रोही हो जाते हम जबकि देश द्रोह तब होता है जब हम देश की उस अखंडता संप्रभुता को कहीं खंडित करते हैं देश के विकास में उसका हर एक नागरिक सक्रिय भूमिका निभाता है और यदि वो इस भूमिका को निभाने के लायक नहीं है तो उतना हिस्सा उस देश का उतने नागरिक यदि वहां
विकास को प्रदान करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से एक और विदेशी राइटर हैं, वो भी इन्हीं मतलब पूरे विश्व में लगभग एक जैसे स्थिति है। वो भी कहते हैं आर्ट ऑफ नैदर फूड क्लोथ कॉटेजेस नॉट नॉट पे आई ऑफ अनलर्न टास्क फोर्स मार्जेस एंड डेथ लेट हिम हु लव्स हिज कंट्री इन हिज हार्ट नॉट विद लिप्स ओनली। सारे के सारे जितने भी लेखक हैं वो सारे सबको एक लेखक। मैं अपनी भी थोड़ी सी आलोचना करना चाहूँगी कि जिस दलित आंदोलन से हम लोग जुड़े हुए हैं उस दलित आंदोलन में एक और शब्द आ चुका है काफी लंबे समय से, मूल निवासी। मूल निवासी यदि आप कहते हैं और अपने आप को भारत का मूल निवासी ठहराना चाहते हैं, बाकी सब विदेशी हैं या सिर्फ आर्यों के साथ हमारी लड़ाई है या हिंदुओं के साथ हमारी लड़ाई है, हिंदुओं का मतलब हिंदू राज के साथ है, तो हमें आज के भारत को देखना होगा या उस प्राचीन एंशिएंट समाज को देखना होगा। आज के भारत को देखते हुए भारत में रहने की नागरिकता, भारत में रहने की शर्तें कुछ और है। संविधान को सारी चीजें उतारी भारत में चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो कोई भी चाहे वो कोई भी भारतीय होने की भारत के नागरिक होने की उसकी उसका कानून प्रावधान जो कहता है उसके हिसाब से होता है। हम पहले आए और पहले गए के हिसाब से थे, तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि जब आप मूल निवासी की बात कर रहे हैं तो जो भारत के मूल निवासी नहीं है उनको भारत छोड़कर के चले जाने को कहा जाएगा क्या? और यदि ऐसा नहीं है तब हमें किस सामंजस्य के साथ अपने समाज को आगे बढ़ाना है इस पर सोचना होगा। और हम लेखक को लेखक कहलाते हैं चाहे जिस भी समय में जिसने भी इन विचारों को पूरी दृढ़ता के साथ रखा। मैंने नाम बता दे ही है प्रेमचंद्र भी यही बात है। कौन सी नई बात है? राजसत्ता के साथ राजसत्ता हमेशा ही ये चाहती है पर वो वक्त कोई और था, राजा रजवाड़े का वक्त कोई और था, क्योंकि शासन का वक्त कोई और था। आज भारत का लोकतंत्र है, भारत का गणतंत्र, भारत का गण होने के नाते भारत के समग्र विकास की समग्र विकास में हम जितने भी लोग अपनी अपनी तरह से ठीक है कि हमारे कुछ असहमतियां होंगी, जब भी विचार होता है कि अब घर में हमारे भाई बहन और माता पिता और जिनके साथ भी बात होती तो हमारी असहमतियां नहीं होती, और उन असहमतियों के लिए हम कहते हैं कि घर छोड़कर चले जाओ कि हम उसके बीच में रास्ते निकालते हैं। भारत भी हमारा एक बड़ा प्रथम है जहाँ हम कहते हैं और हमें अपने अधिकारों को अपने कर्तव्यों को संरक्षण करने का पूरा पूरा अधिकार है। और इस बात को वो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उस उद्देशिका में बहुत स्पष्टता के साथ रखा गया है। मैं बताती हूँ आप लोगों को कि कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमको इसमें ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो कहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक
भाग लेना। इसके मतलब देश में नागरिक होने के लिए किसके घर के भीतर क्या पक रहा है इसका जानने की जरूरत है। आप दूसरों के किचन तक लेके जाते हैं भाई, पहले तो घर के प्रवेश ही वर्जित था, और जब प्रवेश वर्जित होना दूर हुआ तो आप उसके इतने नितांत व्यक्तिगत खान पान नरेंद्र जाता इतना बड़ा नाम है उनका, इतना प्रसिद्ध उपन्यास आम जब आप आई आगे जो हिंदी में आया है असीम आसमान के नाम से, उसमें वो बताते हैं कि जिस तक जब वो बचपन में खाने को नहीं हुआ था और मरे हुए पशुओं का मांस ही खाना होता था, मरे हुए पशु का मांस भी संरक्षित करना होता था। और उनको संरक्षित करने का एक तरीका यह था कि उसको नमक पर लगाया, नमक लगाया और ताकि छानी पर उसे रख दिया, चाहे वो सड़ जाता था पर सूख भी जाता था, और सूखने के बाद वो डब्बा में भी भेजा जाता। वो कहते थे कि आज भी मुझे उस मांस का स्वाद लालच से बस, किसी के खान पान से, किसी के कपड़े पहनने से, भाई यदि आपको किसी को बुर्का पहने हुए देखकर परेशानी होती है या किसी को चकने के ऊंचे वाला पैजामा और टोपी और दाढ़ी देखकर परेशानी हो रही है, तो उसी वक्त किसी को आपका तिलक और मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र देखकर कितनी परेशानी हो सकती है। आप सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार कब तक सोचते रहे, आप दूसरों की सुविधा के अनुसार सोचना कब आरंभ करेंगे। मुझे लगता है लेखक की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह उतनी संवेदनशीलता सामने वाले के लिए भी अपने भीतर रख सके और अपने भीतर उस संवेदनशीलता की सामने वाला भी उतनी ही अपेक्षा करता है जितनी कि मैं। यदि मुझे लगता है कि मेरी आस्थाएं, मेरी आकांक्षाएं सामने वाले के इस कृत्य से प्रताड़ित हो रही है, एट द सेम टाइम मेरे भी उन कामों से सामने वाले को उतनी ही परेशानी हो, सिर्फ इतना सा स्पेस हमें देना है। और उस स्पेस को जब मैं एक उदाहरण के साथ मैं एक उदाहरण जिसमें देना चाहूंगी, एक रामायण से है और एक रामचरित मानस। रामायण में एक संदर्भ शंभु का सूत्र है, तपस्या कर रहा है और चूंकि तपस्या कर रहा है उसको शास्त्रों से के द्वारा वर्जित है कि वो तपस्या नहीं कर सकता है, इसलिए उसको मारते। ब्राह्मण अपने पुत्र की लाश लेकर के जाता है और कहता है कि तुम्हारे राज्य में ये कैसा आना चाहो, एक शूद्र तपस्या का तो परिणाम ये है कि मेरा बेटा मर पड़ा। बेटे मरने का मतलब क्या होता है? जिस व्यवसाय पर कुंडली मारे कोई बैठा हो, यदि उस व्यवसाय को, यदि उस बात को कोई दूसरा जानता है, जानने लगता है, तो निश्चित तौर पर उसका एकाधिकार समाप्त, और वो एकाधिकार समाप्त होना ही उसके भविष्य को अपना खतरा दिखाई देता है, खतराता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर इतनी खूबसूरती के साथ उस कहानी को बताया। दूसरी तरफ अब देखिए कि कैसे सूत्र का महिमा मंडन और शबरी जो है राम को झूठे भेद दिया, और राम झूठे भेद जबकि चोरों के हाथ से तो अपने घर आने की भी इजाजत दी, पर अति शुद्ध, पर शुद्ध के साथ तो खाना पीना नहीं चलता, वो देगा घर के अंदर आने की इजाजत दी। प्रतिभा खुले के अनुसार शूद्र और अतिशूद्र अंतर जिसको कहते हैं वो दो अलग अलग कैटेगरी हैं। जिसको हम दलित कहते हैं वो अतिशूद्र, उसको आपके घर के भीतर जाने की इजाजत है। शूद्र यानी आज का ओबीसी, उसको आपके घर के भीतर जाने की इजाजत है।
तो सभी जो है वो झूठे में यदि खिला रहे तो राम का क्यों, क्योंकि पूरी आस्था पूरे सम्मान के साथ सभी जहाँ आस्था होगा वहाँ कोई प्रश्न, जहाँ आस्था होगी वहाँ कोई प्रश्न नहीं, पर जहाँ आस्था नहीं है जहाँ ज्ञान की बात वहाँ जरूर, क्योंकि वो उस कम्फर्ट रूम में जो जो भी सत्ता था उसके कम्फर्ट रूम में वो परेशान किया जाता। जब कभी भी लेखक इस तरह की बात कर रहा होगा तो निश्चित तौर पर आज और आज से आने वाला बाकी का समय चाहे वो 100 साल हो गए जानते मानस को कितना समय हो गया, रामायण के लिए कितना समय हो गया, पर हम आज भी उसकी एनालिसिस करें। एक लेखक को बहुत सावधान होना होता है कि वो लिखते हुए किसी दूसरे समुदाय की कितनी उपेक्षा कर रहा हो। यदि भावनाएं आहत हो गई या दूसरा सुबह कर्तन ले कोई और प्रजाति है जिसको असुर कहा जा रहा है, कोई और वर्ग है जिसको असुर कहा जा रहा है, यदि उसको आप मार रहे हैं और उसके मारने के लिए वो खुद शामिल ना होते फिर विरोध करना है तो और जैसे ही वो अपनी अस्मिता के साथ खड़ा होता है तो आपको लगता है कि ये ऐसा नहीं, भरी सभा भरी संसद में कहा जा रहा है, लोकतांत्रिक देश की बात की संसद में कहा जा रहा है, इससे मेरी भावनाएं आहत हो गई, मैं ऐसा नहीं हूँ और ऐसा मानू। जैसा कि थोड़े पहले मैंने कहा कि हम बिल्कुल उसी समय न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा जगह विज्ञान हर जगह हो, यदि साहित्य को थोड़ा विज्ञान के नजरिए से और विज्ञान को थोड़ा साहित्य के नजरिए से पढ़ना तो स्थितियाँ बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस दौर में बहुत सावधान होने की और किस तरह से मनुष्य को मनुष्य के तौर पर देखा जाए इस बात की बहुत जरूरत है, बजाय इसके कि हम उसका विभाजन करें। विभाजन भारत को या विश्व को एक नहीं करता, विभाजन हमेशा टुकड़ों में बांट देता है और टुकड़ों के साथ किया हुआ विकास समग्र विकास नहीं होता, चाहे मकसद की कोई भी हम ना पाए। तो हमें बहुत सावधानी के साथ और बल्कि लेखक की चीजों को तो अनपढ़ भी कहता है दोहे किसको याद नहीं होती, चौपाइयां किसको याद नहीं होती, वो उसका दृष्टांत देता है, वो उदाहरण देता है, उसने तो ऐसे कहा था। जब उसने तो ऐसे कहा था तो आप समझिए कि एक लेखक की भूमिका कितनी बड़ी है और उस बड़ी भूमिका में वो बगैर किसी सत्ता के बगैर किसी डर के अपनी बातों को करता रहे अंततः मतलब होगा क्या बुलबुलगी क्या मुर्दा, और कभी ना कभी तो कभी कहीं ना कहीं तो ऐसा समाज दफा होगा ही कभी कहते जो मेरी बातों को समझेगा, क्योंकि पृथ्वी विस्तीर्ण है और तो हमें एक आशा के साथ अपने भीतर वापस अपने सत्य को तलाशते हुए मनुष्यता के हित में ही खड़े होना है, चाहे किसी भी तरह की सत्ता कितना ही विरोध करके। मुझे उन बातों से या हम लोगों को उन बातों से कोई डर नहीं होगा, इन सबों के साथ बहुत धन्यवाद।